तो यार वेलकम बैक टू रेसल रिपोर्टर। मैं हूँ आपका रिपोर्टर प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जैसे कि समर स्लैम में होने वाले कुछ मैचेस के बैटिंग ऑड्स, केविन ओवेंस ने इशारा दिया यूनिवर्सल चैंपियन बनने की ओर, रिटर्न करने के बाद क्या थे ओरिजिनल प्लान्स जिंदर महल के लिए, और इसी के साथ साथ हम रोमन रेंस वर्सेज ब्रॉक लेसनर के मैच के प्रेडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे जो कि बिग शो ने की है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि समर स्लैम में केविन ओवेंस मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैच लड़ने वाले हैं, और वहाँ पर अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो आगे चल के यूनिवर्सल चैंपियन भी बन सकते हैं। तो फिर शायद ऐसा ही कुछ केविन ओवेंस भी सोच रहे हैं कि वो जल्दी ही यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में केविन ओवेंस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये फोटो अपलोड की है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप में केविन ओवेंस के नाम की प्लेट लगी हुई है। खैर, यहाँ पर बात की जाए समर स्लैम में होने वाले मैचेस के बैटिंग ऑड्स के बारे में, तो सभी मैचेस के बैटिंग ऑड्स तो सामने नहीं आए, लेकिन यहाँ पर दो मैचेस के बैटिंग ऑड्स अभी सामने आ चुके हैं, जो कि जिसमें से एक मैच है एज स्टार्स वर्सेस समोआ जो का मैच। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि समोआ जो बन सकते हैं न्यू WWE चैंपियन। और इसी के साथ साथ दूसरे मैच के बारे में बात करें तो ये मैच है जो कि अगली स्मैकडाउन लाइव में होने वाला है, द न्यू डे वर्सेस द बार का मैच। और यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि इस मैच में द न्यू डे की जीत हो सकती है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं जिंदर महल के बारे में कि आखिर जिंदर महल ने जब WWE में अपना रिटर्न किया था तो उसके बाद WWE के पास जिंदर महल के लिए ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। तो यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जिंदर महल ने जब अपना रिटर्न किया था तो यहाँ पर WWE उन्हें कुछ इस तरीके से यूज़ करने वाली थी जैसे कि अभी बैरन कॉर्बिन यूज़ हो रहे हैं, मतलब कि जैसे कि अभी कॉन्स्टेबल बैरन कॉर्बिन यूज़ हो रहे हैं। कुछ उसी तरीके से WWE का ये भी प्लान था कि जिंदर महल को यूज़ किया जाएगा। अभी मैं आपको एक मैच के बारे में बता देता हूँ जो कि जल्दी समर स्लैम में एड होते हुए दिखाई दे सकता है, और ये मैच एक मिक्स टैग टीम मैच हो सकता है जहां पर रूसेव और लाना मिलके सामना कर सकते हैं एंड्राडे सीएन आल्मस और जेलिना वेगा का। और ऐसा भी हो सकता है कि WWE इस मैच को किक ऑफ शो में बुक कर दे। खैर, अभी हम यहां पर बात करते हैं समर स्लैम में होने वाले टाइटल मैच के बारे में, जहां पर रोमन रेंस सामना करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर का यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो इस मैच की प्रिडिक्शन सभी लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहां पर बिग शो ने भी इसकी प्रिडिक्शन कर दी है। जी हां, मंडे नाइट रॉ में बैकस्टेज बिग शो से इसके बारे में पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सल टाइटल मैच में किसकी जीत होगी, और इसके जवाब में यहाँ पर बिग शो ने नाम लिया रोमन रेंस का। उन्होंने कहा कि रोमन रेंस काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो रिंग में काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, ज्यादातर लोग तो क्विट कर जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस ऐसे नहीं है। बिग शो को ऐसा लगता है कि रोमन रेंस इस बार ब्रॉक लेसनर से और भी ज्यादा ताकत के साथ लड़ने वाले हैं, और इस बार उन्हें यूनिवर्सल चैंपियन भी बन जाना चाहिए। तो यार, बिग शो ने तो कर दिया समर स्लैम में होने वाले यूनिवर्सल टाइटल मैच की प्रिडिक्शन। आप भी मुझे प्रिडिक्शन करके कॉमेंट करके बताओ कि यूनिवर्सल टाइटल मैच में किसकी जीत होगी, रोमन रेंस की या फिर ब्रॉक लेसनर की। वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में।